नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर एस शोरिंग जूस मशीन में। फ्रेंड्स, मैं आज आपको लेके आया हूँ गियर बॉक्स जूस मशीन, जो कि पीछे इंजन में भी है, हमारे पास आने वाली भी है। तो दोनों मॉडल आपको दिखाए जाएंगे इस वीडियो के अंदर। दोनों ही मशीन गियर बॉक्स में है, इसमें 4 गियर रहेंगे इंक्लूडिंग बैक। इंजन दोनों में 12 HP का रहेगा, लेकिन इंजन में आपका दोनों में फ़र्क है बहुत ज़्यादा। तो और ये आपका प्राइस में भी करीबन 5000 रुपये का फ़र्क है दोनों मशीन के अंदर। और ये मशीन, ये दोनों ही मशीनों में प्रेशर लगा हुआ है आपका 4.5x8 का स्टील कवर स्टील ट्रे, ठीक है। तो ये प्रेशर आपका जर्सी कंपनी का है और बहुत ही शार्प क्वालिटी, हैवी क्वालिटी, वेल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है और एवरीथिंग मतलब बेटर है इस मशीन का। और ये आपका चलने में काफ़ी स्मूथ पावर ब्रेक, आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे ड्रम ब्रेक है। और करीबन हमारी इसकी हाइट होती है करीबन 6.5 फीट हाइट होती है, 4.5 फीट चौड़ाई, और इसकी लंबाई करीबन 8 फीट। और इसमें हेडलाइट LED लाइट लेकर रखी है, ऊपर डिपर लाइट है, प्रोजेक्टर लॉरी लाइट होती है जो, और काफ़ी दूर तक फोकस करती है। क्रेशर भी हमारा काफ़ी अच्छा है स्टील कवर स्टील ट्रे में। इसमें आपका सेल्फ स्टार्ट है, ये इंजन वाला सेल्फ हैंडल दोनों से चलता है मशीन। तो सेल्फ स्टार्ट का पैसा भर जाता है और हैंडल वाले का पैसा कम हो जाएगा आप ओनली हैंडल लेते हो तो। इसमें आपका इस वाले इंजन में आपका हैंडल आगे से लगाना पड़ता है, दिखाया इस वीडियो में। और इसमें सेल्फ भी है इसके अंदर, दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं आपको, हैंडल कम सेल्फ। बस इंजन आपका एकदम नीचे दे रखा है तो दिखता भी नहीं कहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, एकदम नीचे अंडरग्राउंड दे रखा है। पावर भी काफ़ी हैवी इंजन में, स्मूथ चलता है, कोई बेल्ट कोई पुली इसके अंदर नहीं है, डायरेक्ट इंजन टू गियर बॉक्स में असेंबल कपलिंग किया गया है, जैसे ट्रैक्टर के अंदर होता है उसी तरीके से। मतलब इंजन और गियर बॉक्स दोनों ही आमने सामने लगे हुए हैं, विदाउट पुली विदाउट बेल्ट के फुल आप इन दोनों के चक्कर बराबर होते हैं। और ये सेल्फ भी आपका फिट कर रखा है, बगल नीचे आपको दिख रहा है। तो दोनों ही मशीन अपनी जगह पर काफ़ी बेटर हैं, डिपेंड करता है कस्टमर को क्या चाहिए, जो आप बनाता है वो हम स्केच कर दिया जाएगा। आप हमारे पास फिर आके देख के मशीन को ट्राई करके जा सकते हो, अगर आप नहीं आ सकते हो तो आपको बुक करना पड़ेगा।